बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम जोरा साहब की जगह इफ्तिखार अहमद आपको खुश आमदीद कहता है। हम आज अफगानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और इस वक्त हम बात करेंगे उन दोस्तों से जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ समैरा खान साहबा से। जी समैरा साहबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। समैरा, आपने क्या देखा कि बैंक खुल गए हैं? जी इफ्तिखार साहब, बैंक भी खुल गए हैं और जो ओल्ड टाउन है कारतम मामरीन, आज मैं उधर भी गई थी, स्कूल्स खुल चुके हैं वहाँ भी। कारोबारी मराकज जिसमें सबसे पहले रेस्टोरेंट्स और बड़े होटल्स थे वो खुल चुके हैं और इसके अलावा मिनिस्ट्रीज खुल चुकी हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री खुल चुकी है और उम्मीद कर रहे हैं हम कि ख़वातीन की मिनिस्ट्री जो है उसको भी खोलने के कुछ अहकाम सादर हुए हैं कि इसी हफ्ते में ख़वातीन की मिनिस्ट्री जो है वो भी खोली जाए और उनकी तमाम सीनियर जूनियर स्केल की जितनी ख़वातीन हैं उनको बाकायदा वापस बुलाया जाए और अनाउंस भी शायद किया जाएगा। तो बैंक्स के खुलने के बाद आई थिंक कैश फ्लो जो है वो बहुत बेहतर हो गया, क्योंकि हाजी इदरीस जो उसके सेंट्रल बैंक के हेड हैं उनका कहना था कि सबसे पहले कैश फ्लो को मुनासिब बनाया जाए। आपने जो ये दौरा कर रही हैं शहर का, आपने इसमें महसूस किया कि उज़्बेक भी नज़र आ रहे हैं, ताजिक भी नज़र आ रहे हैं, हज़ारा भी नज़र आ रहे हैं, और कोई खातून नज़र आई आपको कहीं पे किसी शॉपिंग मॉल में या किसी बाज़ार में? क्यों नहीं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं ख़वातीन, बल्कि मैं अभी कुछ देर पहले ही अपने होटल रूम वापस आई हूँ। ख़वातीन बिल्कुल हैं, सड़कों पर हैं, बल्कि कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की जो ओनर्स हैं ख़वातीन वो भी काम कर रही हैं। मैं बल्कि कोशिश कर रही हूँ मेरी मुलाकात अगर हर अफगानिस्तान की जो हेड है मरियम वर्दक उनके साथ हो जाए, वो भी ज़रा मसरूफ़ हैं आजकल, तो मैं कोशिश करूँगी उनसे भी छोटा सा इंटरव्यू करके एक नशर करूँगी आप लोगों के लिए। वुमेन आर एवरीवेयर, वो अपने मामूलात ज़िंदगी जो है अंजाम दे रही हैं। एक फियर फैक्टर था, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब ज़िंदगी जो है वो काबुल की रोशनियाँ जो हैं वो वापस लौट रही। मेरा अगला सवाल इसके साथ ही जुड़ता हुआ ये था कि क्या आप उज़्बेक ताजिक जो हैं, बिकॉज वो अपनी शक्ल से पहचाने जाते हैं, क्या इस सारी बाज़ारों में और जो रौनक आप देख रही हैं इसमें वो रौनक में उज़्बेक ताजिक हज़ारा भी मौजूद हैं, एक बात, और दूसरी बात है कि क्या लोगों का एहसास क्या हैं? लोग यहीं पे देख चुके हैं माजी के अंदर कत्लेआम होता हुआ और 20 साल पहले जो वाक़यात हुए उनमें से काफ़ी लोग विटनेस होंगे, वो क्या महसूस कर रहे हैं कि ये जो तब्दीली अब आ रही है क्या ये बेहतर तब्दीली होगी? मेरी आज भी मुलाकात हुई है, बल्कि जिलानी ज़वाक जो हैं सीईओ काबुल न्यूज़, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू उनसे किया और उनके मुताबिक भी ऐसा ही है। पहले मैं आपको उज़्बेक्स और ताजिक्स का कह दूं, काबुल एक मल्टी फ्लेवर्ड शहर है, यहाँ पर उज़्बेक्स ताजिर, उज़्बेक ताजिक और हज़ारा, ये सब से मिलकर काबुल शहर बना है और यहाँ पे कतन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पठान नज़र आएगा आपको, एक पख्तून नज़र आएगा, सारी एथनिसिटीज से मिलकर ये शहर बना है और कई सदियाँ जो हैं वो गुजर गई हैं, गुजर जाएंगी भी, अभी भी सड़कों पर सब नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट का बिजनेस ये समझा जाता भी है और मैं देखकर भी आई हूँ कि तमाम एथनिसिटीज़ मिलकर यहाँ पर अपने अपने इलाकों के रेस्टोरेंट्स हैं उनके नाम से हैं वो चलाते हैं। गुलफरोशी की जो गुलफरोशी को जिसको फ्लावर शॉप बिजनेस है वो भी उनके हाथों में है, तो एवरीवन इज देयर। और मेरा नहीं ख्याल ये जो कि ये गुलफरोशी का जो कारोबार है ये उज़्बेक्स के हाथ में है या ताजिक ज्यादा करते हैं, एक बात, और दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा जो रिक्शा है वो बड़ा एक खास किस्म का मैंने रिक्शा चलते हुए अफगानिस्तान में देखा काबुल के अंदर, वो रिक्शे चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चल रही है जो मुकामी ट्रांसपोर्ट है? जी मकामी ट्रांसपोर्ट चल रही है, वो जो रिक्शे की बात आप करें वो भी चल रहा है यहाँ पे, बल्कि हो सके तो आप चक्कर भी लगाएं, हम अभी एक हफ्ते के लिए मजीद हैं तो मैं आपको बल्कि आइसक्रीम भी खिलाने लेके जाऊंगी कूचे गिलफरोशी, वहाँ शीरे या आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है। सुना, ये आइसक्रीम के बारे में हमने तस्वीर देखी है, जो नौजवान तालिबान हैं ये बड़े शौक से आइसक्रीम खा रहे हैं, तो लगता है कि आइसक्रीम बड़ी पॉपुलर कोई चीज़ है वहाँ पे काबुल के अंदर। हमारे आम शहरों में पाकिस्तान के अंदर आइसक्रीम है तो सही, लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं है कि हर गली और हर मोहल्ले में आदमी को शौक़ हो कि वो आइसक्रीम खाए। इफ्तिखार साहब, हम असल में खाते हैं वो विलायती टाइप की आइसक्रीम ना, यहाँ पे द गुड थिंग इज काबुल में बनती है देसी रेसिपी से जिसको शीरे यख बोलते हैं।
शिरयख स्टैंड फॉर आइसक्रीम, लेकिन उसका उसकी रेसिपी बिल्कुल देसी है, एंशियंट है, सदियों साल पुरानी है। और इसको हाथ से, लाइक अगर मैं आपको एक आम मिसाल दूं तो कुल्फा, जैसे हमारे यहाँ कुल्फा फालूदा खैबर पख्तूनख्वा में बहुत एक मरगूब गज़ा है, उस तरीके पर ये बनती है एंड इट्स डिलिशियस। यहाँ पे दुकानें रात गए तो खुली होती हैं, बल्कि सुबह तक तो खुली होती हैं। और अब तो ऐसे हालात हैं कि मैंने देखा है बहुत से लड़के लड़कियां आते हैं बड़े शौक से, और गुलबहार सोसाइटी की तरफ बहुत सी दुकानें हैं, पूरी मार्केट है आइसक्रीम की, तो वहां बैठे होते हैं वो लोग, खाते पीते भी हैं, गपशप भी लगाते हैं। और ये नहीं कि उस वक्त तालिबान नहीं होते, तो जो वो फुट सोल्जर जो है उनका, वो स्ट्रीट सिक्योरिटी पर जो मामूर है वो भी होते हैं। और कल परसों, कल रात को बल्कि मुझे पता चला कि एक तालिब स्काउट ने बल्कि रोटी खाई आइसक्रीम के साथ, तो इट वाज समथिंग गुड, लाइक इट वाज समथिंग न्यू फॉर मी, कि जब भूख लगी हो तो इंसान फिर आइसक्रीम के अच्छा, साथ भी खाता मुझे एक बात बताएं कि जो शमाली इतिहाद के बारे में जो खबरें आ रही हैं मज़ार शरीफ की तरफ से, उसके बारे में लोगों में कोई खौफ, कोई इस्तराब पाया जाता है? बिल्कुल। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त उसकी तकरीबन एक फैसले के ज़रूर मुंतज़िर हैं लोग, और वो फैसला चाहते हैं कि वहाँ पर क्या हालात होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो और बाकी हिस्सा जो है जिस्म पूरा वो सुकून से हो। तो इसमें मैं चाहूँगी कि बिल्कुल ऑनेस्टली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पनशेर का फैसला जल्द अज़ जल्द हो, और जब वो फैसला हो जाए तो फिर ज़ाहिर है पूरे अफगानिस्तान में एक सुकून की लहर दौड़ जाएगी। क्या आप महसूस करती हैं कि जो वादा इस नस्ल के तालिबान ने दुनिया से किया है कि वो इंटरनेशनल कवानीन का एहतराम करेंगे, जब हम इंटरनेशनल कवानीन की बात करते हैं तो उसमें औरत की इज्जत का है, औरत को आज़ादी होनी चाहिए तालीम की, औरत को आज़ादी होनी चाहिए कारोबार की, मिनोरिटीज़ को आज़ादी होनी चाहिए अपने अपने जो उनकी सोच फिक्र है, जो उनका मज़हब है उसके ऊपर जाने की, क्या आप महसूस करती हैं कि ये सोच अब सब लोगों में पाई जाती है? जी बिल्कुल, इसमें अफगानिस्तान बहुत तरक्की इस लिहाज से कर चुका है, पिछले 20 बरसों में सोच की तब्दीली लाए हैं सोशल मीडिया में, चाहे वो नेगेटिविटी के हवाले से हो या किसी और चीज़ के हवाले से हो। मैं कहूँगी कि इसमें सोच में बहुत तब्दीली आई है, और उस तब्दीली के लिए तालिबान को भी लगता है कि उनको बहुत गुजारा करना है, उनको बहुत वक्त लगेगा इस माइंडसेट को चेंज करने में जो उनके भी खिलाफ है। आई थिंक इसलिए वो बड़े सब्र के साथ चल रहे अच्छा, हैं, मुझे ये और बात यही बताएं, सब पॉलिसीज लेके चलते हैं तो शायद उनके लिए एक मस्बत पहलू, इसका मस्बत नतीजा लेकर आएगा। ये जो एक तासर दिया जा रहा है दुनिया भर में कि वहाँ पे जो सूरत हाल हवाई अड्डे के इर्द गिर्द है, वहाँ पे इंसानी मामलात उलझ गए हैं, वहाँ पे बच्चे अगवा हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं, वहाँ पे लोगों को मिस हैंडल किया जा रहा है, वहाँ पे रास्ता रोका जा रहा है, और अफगानिस्तान की जो तालिबान की जो लोग हैं वो कह रहे हैं किसी अफगानी को हम जाने नहीं देंगे। तो ये एक जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, इसको आपकी नज़र में ये सूरत हाल क्या है, और ये क्या इसकी वजह ये है कि लोग मुल्क को छोड़ के जाना चाह रहे हैं और उनको देखिए, रुकावट है? इसमें पहले ही तकरीबन पहले उन्होंने सिर्फ अमेरिकी शहरियों को निकालना था, जो कि हार्डली कोई 3,000 के करीब थे, फिर उन्होंने 15,000 शहरी निकाले, अब मुकम्मल जो हमारे पास एक फिगर आ रहा है वो 60,000 के करीब आ रहा है इवैक्यूएशन का। कुछ समझ नहीं आ रही अमेरिका चाहता क्या था। पहले उन्होंने सिर्फ अमरीकी शहरियों का, तर्जुमानों का, और क्लोज अपने एलाइज का कहा कि हम उनको ले जाएंगे, फिर उन्होंने सब अफगानों को कहा कि एयरपोर्ट आ जाएं, फिर अब उन्होंने खुद तालिबान से कल कहा है कि जी आप अब मजीद ना आने दें, क्योंकि अब हमने अपना फैलावा भी समेटना है, हमने 31 को जाना है। तो देखिए सूरत हाल इस वक्त जो मिस हैंडलिंग हो रही है वो तमाम तर अमरीका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, स्टेट डिपार्टमेंट की मिस हैंडलिंग की वजह से है। शुमारा, मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिले को जारी रखूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे एक ब्रेक पे जाना है, आप भी इंतजार कीजिएगा, मैं भी ब्रेक से वापस आके आपसे गुफ्तगू जारी रखूंगा। फौजा, हम जाने, ब्रेक पे जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। मैं फौजा, हम अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं, काबुल से, मैं समेरा खान से, और समेरा खान, हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल जो सकत उस शहर में है उससे आगाह कर रही हैं और बहुत अहम इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर कर रही हैं। और समेरा, आप इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं ना? जी 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 जी
ये अभी कहा गया है, अमेरिका ने खदशे का इजहार किया है कि दाएश खरासानी गालिबन एयरपोर्ट पे हमला करना चाहती हैं। ऐसा ही जी कोई अपना अफवाह आपने सुनी काबुल शहर में? जी मुझे मुझे कुछ इत्तलाआत ऐसी आई हैं, बल्कि ये इत्तला भी आई है, मुझे ट्विटर पे दो तीन अफगान जर्नलिस्ट ने धमकियां दी अभी कुछ मुसलसल दो तीन पिछले दिनों से। फिर पीटीएम की जानिब से मुझे काफ़ी इंसल्टिव एक रवैये का मैं शिकार हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं अफगानिस्तान से रिपोर्ट कर रही हूँ। बल्कि मोहसिन दावड़ साहब ने भी कोई ट्वीट किया इस हवाले से। तो ये एक दो सिनेरियोज जो हैं जोड़े जा रहे हैं आपस में, कि या तो पाकिस्तानियों पे अटैक हो सकता है सहाफ़ियों पे, जिसमें खसूसी तौर पे मुझे ट्विटर और सोशल मीडिया पे बहुत वो किया जा रहा है, और एक एक और चीज़ एयरपोर्ट के हवाले से बहुत आ रही है, वहाँ पर एक अटैक जो है वो एक प्लान किया जा रहा है। तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इस इनमें क्या हकीकत है, लेकिन एहतियात इसके अंदर बहुत है। जिन खदशात का आपने इजहार किया है, क्या उसकी वजह और बुनियाद ये है कि आप वहाँ से ये रिपोर्ट कर रहे हो कि वहाँ पे ख्वातीन बाजारों में मौजूद हैं? जी मैं इसके अंदर, बल्कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने मोहसिन दावड़ साहब की एक ट्वीट का और मैंने एक तालिब रहनुमा का इंटरव्यू किया था, उसको जोड़ कर ये बात की है कि पाकिस्तान में वजीरिस्तान से और बलूचिस्तान से तो ये लोग रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन अफगानिस्तान से जाके कर रहे हैं। जबकि मैं पिछले 17 बरस से ट्राइबल एरिया का को कवर भी कर रही हूँ तमाम तर मिलिट्री ऑपरेशंस में। मैं अभी सुमेरा पिछले साल सुमेरा ये सितंबर में भी सुमेरा बलूचिस्तान की हूँ। सुमेरा इसको ये बुनियाद की तरह क्यों सुमेरा बनाया जाए? सुमेरा ये इनकी बुनियाद को रहने दो। हम वापस चलते हैं, हम बात करते हैं काबल के हवाले से। हम बात कर रहे थे ये जो असला छोड़ गए हैं अमरीकन्स, इसके बारे जी में काबल के शहरियों के खदशात क्या हैं? ये असला कौन इस्तेमाल करेगा? इस असले के क्या नतायज निकलेंगे इस्तेमाल करने के? इस किस्म की कोई गुफ्तगू आपकी किसी से हुई है कहीं पे? देखिए, वो असलहा वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस, बल्कि फॉल ऑफ काबुल जो है वो खुद तालिबान के इल्म में नहीं था। पता ये चला है कि काबुल में से जो अमनियती जितने फोर्सेस थी, सिक्योरिटी फोर्सेस थी, वो उसी रात चली गई थी, तमाम तर हसास मकामात की हिफाजत छोड़ के जो उनके जिम्मे थी। तो वो जो असलहा और बाकी चीजें हैं कुछ वो साथ ले गए हैं, जो पनशेर भी गए हैं और जो छोड़ गए हैं टेक्निकली वो अब तालिबान के कब्जे में हैं। तो जितना भी असलहे का जखीरा है या वो असला डिपो में जमा कर दिया गया है, तो उसको शहर की हिफाजत के लिए या जहां भी अब उनका मार्का कोई होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। लोगों को क्या महसूस हुआ कि एकदम उनका एक सदर गायब हो जाता है, वो किसी को बताता भी नहीं है, सदारती महल से निकलता है, जहाज़ में बैठ के चला जाता है? तो इसमें भी लोगों का कोई ना कोई रद्द अमल तो होगा जो आपसे गुफ्तगू में उन्होंने शेयर किया होगा। जी बिल्कुल, शहर में इस वक्त हालात ये हैं कि लोगों ने जहाँ जहाँ पोस्टर्स लगे हुए थे अशरफ गनी साहब के, वो फाड़ दिए हैं। एयरपोर्ट पर भी ऐसे ही उनकी तस्वीर को मस्क कर दिया गया है, और उमूमी तौर पर बहुत गुस्सा पाया जाता है उनके खिलाफ। मुझे यहाँ से आपने अच्छी एक बात याद करा दी, ये जो बहस चल पड़ी है वहाँ पे दो झंडों के बारे में, एक अफगानिस्तान का सरकारी झंडा था और एक झंडा जो तालिबान इंट्रोड्यूस वहाँ पे करा रहे हैं, तो आवाम में हमने देखा कि जो झंडा पैदा है उसके हक में लोगों ने मुजाहरा भी किया जो हमने टेलीविजन स्क्रीन पे देखा। क्या ऐसी कोई बात आपके इल्म में आ रही है? यहाँ पे रैलीस थी बिल्कुल, जब मैं यहाँ पर आई हूँ गालिबन 18 या 17 तारीख होगी, बल्कि गालिबन 17 तारीख थी जब मैं काबुल पहुंची हूँ जलालाबाद से। तो यहाँ पे उन्होंने मिल्ली बैरग, यौम मिल्ली बैरग जो उनका नेशनल फ्लैग डे होता है, उस पर उन्होंने रैलीस निकाली थी, और उन्होंने कहा कि हमारा ये झंडा काफी पुराना चल रहा है तो उसको रहने दिया जाए। उसके बाद से मैंने नहीं देखा, लेकिन काबुल में पुराना झंडा जहाँ लगा हुआ था अभी तक लगा हुआ है, शाहराहों से नहीं उतारा गया बिल्कुल भी। सुमारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और आपने बहुत मालूमात हमसे शेयर की। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, और वो दोस्त जो आपको सुन रहे हैं यहाँ पे वो तो सुन ही रहे हैं, जो लोग आपको मैसेज ऐसे दे रहे हैं जो मुनासिब नहीं है उनको भी एहसास करना चाहिए कि हम सहाफ़ियों का काम है टू रिपोर्ट। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो जानते हैं, हम उसको रिपोर्ट करते हैं, हम फरीक नहीं होते। ये कहना कि आप
जाके एक जगह से रिपोर्ट क्यों नहीं करते, बलूचिस्तान से रिपोर्ट क्यों नहीं करते, या फलानी जगह से रिपोर्ट क्यों नहीं करते, तो उन दोस्तों को एहसास नहीं है कि हर जगह से रिपोर्टिंग होती है और कोई खिताब ऐसा नहीं रह गया जहाँ से रिपोर्टिंग ना होती हो, जबकि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, कैमरे का रोल है, अभी हमारे हाथों में जो मोबाइल है उनका रोल है, तो ये कैसे मुमकिन है कि चीज़ें छुप सकें। और आपने हमारे साथ बहुत अहम सवालों का जवाब दिया, वाजिद साहब जाइएगा मत, हमारे साथ आइएगा, ब्रेक के बाद ब्रिगेडियर साध हमारे साथ होंगे, हम उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक फॉर रात, इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर साध साहब तशरीफ रखते हैं, ये माहिर हैं अपना अफगानिस्तान के अमूर के बारे में, आइए इनसे बात करते हैं कि इस ये क्या महसूस करते हैं, वहाँ पर सूरत हाल क्या है। जी ब्रिगेड साहब, सूरत हाल तो फिलहाल गैर यकीनी है अफगानिस्तान में, इस वक्त तक जो तालिबान की है उनकी भी कोई हुकूमत का जो खद ख़ाल है वो सामने कोई नहीं आ रहा जिसके ऊपर बंदा तबसरा कर सके कि किस सिमत इनकी हुकूमत जाएगी। किसी मुल्क ने भी अभी तक उनके साथ रवाबित कायम करने के लिए कोई पेशरफ्त अभी तक नहीं हुई है, हर एक आदमी जो है वो वेट एंड सी गेम देख रहा है कि किस तरफ जा रहे हैं। बगैर साहब आप खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई हुकूमत नहीं है, अगर हुकूमत नहीं है तो आप क्यों कर तवक्को कर रहे हैं दूसरे ममालिक से कि वो उनको तस्लीम कर लें और उनके साथ कोई तावन करना शुरू करें? नहीं, वो उनका कब्जा तो है ना, इस वक्त इख्तदार पे कब्जा तो है और उन्होंने कोई बुरी इंतजामिया तो वहाँ पर बिठाई हुई है काबुल में, लेकिन बाकी मुल्क में अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है कि वो किस तरह हुकूमत करेंगे, कौन कौन है, हर एक जगह पे एक बुरी किस्म का उन्होंने जो है कंट्रोल संभाला हुआ है, हुकूमत सामने अभी तक नहीं आई है और मेरे ख्याल में वो इसका इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर कोई बातचीत हो और एक इंक्लूसिव किस्म की गवर्नमेंट वो बना सकें ताकि जो मुजाहमत करेंगे इनके मुखालिफिन उसमें से जोर है उसको तोड़ा जाए, उसको उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी मदद कर रहा है, बाकी ममालिक भी उनके लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किस तरीके से एक ऐसा इख्तदार की मुंतकली उन अनासर को हो जो अफगानिस्तान के तमाम फिरकों को उनकी नुमाइंदगी उस हुकूमत में हो सके। पाकिस्तान भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर हैं जो तालिबान मुखालिफ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब आप कह रहे हैं पाकिस्तान इसमें मदद कर रहा है, तो पाकिस्तान क्या मदद कर रहा है और वो मदद के नतज अब तक क्या आए हैं? आप चूंकि इन अमूर के माहिर हैं तो कोई आप शेयर करना पसंद करेंगे? देखें, अभी तक तो मेरे ख्याल में बातचीत चल रही है और पाकिस्तान के वजीर खारजा और बाकी जो यहाँ पर पाकिस्तान के लीडर्स हैं वो उनका यही एक मकसद है और उन्होंने स्टेट भी किया है, एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करेगा पाकिस्तान, फैसला तो अफगान ने खुद करना है, वो पाकिस्तान का काम नहीं है, लेकिन एक फैसिलिटेशन हो सकती है और ये जो लोग अभी पाकिस्तान में आए हुए हैं उनकी बातचीत चल रही है, अभी उसका नतीजा किस तरह निकलेगा, वो किस तरह कामयाबी की तरफ जाएगा आगे, मेरे ख्याल में फिलहाल इसमें कोई अभी तक ऐसे कोई पेशरफ्त सामने आई नहीं है कि जिसके ऊपर हम तबसरा कर सकें, कुछ फिलहाल कोशिशें हैं और ये कोशिशें पहले भी हुई हैं तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कोई ज्यादा वो नहीं है कि उसके ऊपर हम तबसरा कर सकें कि पहले भी कोई पाकिस्तान ने इस तरह किया था, पिशावर अकॉर्ड्स हुए थे, इस्लामाबाद अकॉर्ड्स हुए थे, वो फेल हो गए सारे, पाकिस्तान ने फिर जो तालिबान की पहली हुकूमत थी उसमें भी कोशिश की थी किसी न किस तरीके से मुफाहमत हो जाए उनके जो बाकी मुखालिफिन थे, उसमें भी कोई खास पेशरफ पाकिस्तान को नहीं हुआ और फिर 9/11 का ये वाकया हो गया जिसके बाद आप पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब तक अफगानिस्तान में जो हालात हैं वो गैर यकीनी रहेंगे, जब तक एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो तमाम फिक्रों को काबिल कबूल होगी जब तक वो सामने नहीं आती है अफगानिस्तान में अफरा तफरी भी रहेगी, जंग भी रहेगी और सिविल वॉर का एक खतरा रहेगा। जो दोस्त आपके पास इस्लामाबाद में मौजूद हैं उनका कितना असर रसूख है अफगानिस्तान के अंदर? मेरे ख्याल में काफी असर रसूख है, इसमें दो जो बड़े सरकर्दा जो लीडर्स हैं, एक यूनिस कानूनी साहब हैं
वो अहमद शाह मसूद के काफ़ी करीब थे और ताजिकों में उनकी काफ़ी असर रसूख मौजूद है। इस तरह मुहक्किक साहब हैं जो हज़ारा कम्युनिटी के लीडर हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये दो फिरके किसी न किसी तरीके से बात मान जाएं, और तालिबान का भी ये स्टेटेड पोजीशन तो है कि वो हर एक के साथ बातचीत करना चाहते हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा फिरका रह जाएगा वो उज़्बक है। वो दोस्तम साहब को किस तरह अप्रोच किया जाए, किस तरह दोस्तम साहब से रवाबित कायम किया जाए और उनका कोई नुमाइंदा भी बीच में अगर शामिल हो जाए, तो मेरे ख्याल में अगर ये तीन फिरके आपस में मिल जाएँ और एक अबूरी हुकूमत में वो हिस्सेदार बन जाएँ, तो फिर मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के जो मुस्तकबिल है उसमें एक उम्मीद कर सकते हैं हम कि वहां पर इस्तेहकाम आएगा। बरगे साहब, ये फिरके आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फिरके का लफ्ज मुनासिब है सियासी धड़ों के लिए? अफगानिस्तान में देखें सियासी ये बहुत ही अफसोसनाक रहा है कि 20 साल इन्होंने जमहूरियत के साथ एक तजुर्बा किया। एक ट्राइबल सोसाइटी है अफगानिस्तान, तो उसके ऊपर इन्होंने जमहूरियत मगरबी ममालिक ने तसल्लुत एक कर दिए, उन्होंने उसके ऊपर लगा दी। कारजई साहब ने और इन तमाम लोगों ने सियासी पार्टियों की मुखालिफत कर दी, जो जमहूरियत में एक बहुत बड़ा उनका एक किरदार होता है, उसको वो ख़त्म कर दिया। तो आप अभी कम्युनिटीज़ के ऊपर ही बात कर सकते हैं कि इन कम्युनिटी इस कम्युनिटी का लीडर कौन है, उस कम्युनिटी का लीडर कौन है, ये अच्छी बात तो नहीं है, बिल्कुल आपके साथ मैं इसमें मुत्तफिक हूँ। लेकिन अफगानिस्तान में सियासी पार्टियों ने अभी तक कोई ऐसे कदम नहीं जमाए जिसके ऊपर वो बता कह सकता है कि वो जमहूरियत के लिए एक सुतून साबित होंगे। पहले एक कम्युनिस्ट पार्टी आई थी, PDPA थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, लेकिन उसकी मुखालिफिन इतने सामने आ गए, उन्होंने ये पार्टियां बनाई, और वो पार्टियां भी अगर आप देखें वो ऐसे थी कि जो एथनिकली बेस्ड थी। अगर आप जमीयत इस्लामी को देखें तो वो ज़्यादातर ताजिक कम्युनिटी थी उसमें, अगर आप हिजब इस्लामी को देख लें गुलबदीन हिकमत यार साहब के, उसमें ज़्यादा पश्तून शामिल थे, होंगे बीच में गैर पश्तून वगैरह भी होंगे बीच में शायद उसमें, जमीयत इस्लामी भी गैर जी। बरगे साहब, ये जो आप बात आप कर रहे हैं इससे एक सवाल इमर्ज करता है कि पश्तून जो हैं वो मुकम्मल अक्सरियत में तो नहीं है, 51% तो पश्तून नहीं है अफगानिस्तान में, अगर वो 51% नहीं है तो बाकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, और क्या इनके दरमियान अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती हो जैसा आप कह रहे हैं, ये कम्युनिटी के हवाले से वहाँ पर सारी सियासत का तो लफ्ज़ आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो भी हुकूमत बनेगी उसमें कम्युनिटीज़ को कितनी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, तो क्या आपके नज़दीक अगर आपको ये मौका दिया जाए तो आप क्या परसेंटेज देंगे उज़्बक को, ताजिक को, हज़ारा वालों को, दूसरे लोगों को? देखें इसमें जो वो है अफगानिस्तान में कभी सेंसस नहीं हुआ है, तो ये जितने भी है ये लोगों ने अंदाजे लगाए हुए हैं। अभी CIA की जो फैक्ट बुक है उसमें पश्तून को जो है वो 38% आबादी दी गई है, ताजिक को 25% दी गई है, उज़्बक को तकरीबन 12% दी गई है, हज़ारा को 6-7% दी गई है, बाकी अदर कम्युनिटीज़ बीच में शामिल हैं वो दीगर हैं, लेकिन बड़ी कम्युनिटीज़ ये जो मैंने आपको गिनवा दी हैं ये हैं पश्तून। अच्छा, जो पिछली हुकूमत मेरे ख्याल में ये एग्जैजरेशन है, 60% नहीं है, और अक्सरियत उसकी है नहीं, और जब तक वो बाकी कम्युनिटीज़ को शामिल नहीं करेगा और शरीक इख्तदार नहीं बनाएगा अफगानिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आ सकता है। तो अभी ये तालिबान की हुकूमत पे है कि वो किस तरह आगे चलते हैं और किस तरह इसको एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाते हैं, और वो जो सख्ती इन पश्तून ट्राइबल वो है ट्रेडिशंस हैं रिवाज है
उसको ये इस्लाम का रंग दे के बाकियों पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी इसमें मुजाहमत करेंगे। तो इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में जब तक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट नहीं होगी तो इसी तरह जो पख्तून रिवाज है उसको इस्लाम का रंग दे के बाकियों पर मुसल्लत किया जाएगा। तो बढ़िया साहब, इसका मतलब है कि जैसा आप कह रहे हैं और जैसे कि आप माहिर हैं उस मामलात पे, लगता है कि मुस्तकबिल अभी तो इतना खुशगवार नज़र नहीं आता, इतना ताबनाक नज़र नहीं आता जो आपने गुफ्तगू मेरे से अभी तक की है। ये बिल्कुल, जब तक हमारे सामने हकायक नहीं आएंगे ना तो उसके ऊपर तबसरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पेकुलेशन मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। इस तरह गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी और अंदाजे बंदा जो है वो ही लगा सकता है और अंदाजे बड़े गलत साबित हो सकते हैं। तो जब हकायक सामने नमूदार होंगे एक दफा, तो उसके बाद फिर मुस्तकबिल की बात जो है वो की जा सकती है। तो जब तक ये होगा तो इसी तरह लोगों के अंदाजे होंगे। बढ़िया साहब, ये जो उन्होंने पहला बयान दिया उनके नुमाइंदे ने और जो वादे किए इंटरनेशनल कम्युनिटी से और बाकी दुनिया भर से, और जो वादा ट्रंप और इनके दरमियान हुआ तालिबान के दरमियान दोहा में जो वादा तय हुआ, उसको अगर सामने रखें और इनके पहला जो स्टेटमेंट है उसको सामने रखें, तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि उस पर अमल शुरू हो गया है इन दिनों में? देखिए, अभी तक तो जो पिछली हुकूमत के साथ अगर आप इसका मुआवजना करें, जो इनकी पहली हुकूमत थी 96 से 2001 तक, तो उस तरह की हुकूमत नहीं है। इस तरह बड़े पैमाने पर फतवागरदगरी नहीं हुई है, इस तरह लोगों को परेशान नहीं किया गया है। इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं, मैं ये मानता हूँ कि हुए हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में एक रेगुलर आर्मी भी अगर होगी इस किस्म के हालात में, उसमें भी इस किस्म की ज्यादतियाँ हो जाती हैं। तो अभी तक तो उन्होंने इसके ऊपर तो कम अज़ कम अमल किया है, उन्होंने वो वाली सख्ती और वो वाले जो है क्या कहते हैं इसको, जैसे पहले उन्होंने किया था, उन्होंने अपने जो रवैया रखा था उसमें बहुत बड़ी तब्दीली है नजर आ रही है। अभी ये वक्ती है या इसको ये आगे चलाएंगे इस तरह, इसको अभी हमने देखना है। वो जब तक सामने नहीं आएगी कोई चीज तो मैं उसके ऊपर कैसे करूंगा कि ये वाकई जो ये कर जो इन्होंने स्टेटेड पोजिशन है जिसका आपने जिक्र किया है, ये वाकई इस स्टेटेड पोजीशन के ऊपर अमल करेंगे या नहीं करेंगे, ये वक्त बताएगा। आइंदे चंद हफ्तों में मेरे ख्याल में ये मामलात जो हैं वो उनका पता लगने शुरू हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये किस समर जा रहे हैं। शुक्रिया बरगेर साहब। फौजत, आपने बरगेर साहब की गुफ्तगू सुनी और आप अफगानिस्तान से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। अफगानिस्तान जहाँ खड़ा है इस वक्त, इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आने वाले दिन और आने वाले हफ्ते बताएंगे कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। मुझे इस वक्त इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।